नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट। मैं हूं आपके साथ देविका पाठक। हाल ही में एक राजनीतिक बयान खासा चर्चा में है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा बयान दे दिया जिस पर विवाद शुरू हो गया है। केजरीवाल ने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि अब नोटों पर गांधी जी की तस्वीर के साथ साथ भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की तस्वीर भी लगाई जाए। वही केजरीवाल के बयान पर बीजेपी ने उन पर निशाना साधा है और उन्हें यूटर्न लेने वाला व्यक्ति करार दिया। इसी बीच उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से एक शख्स ने केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर मांग की है कि भारत सरकार के करेंसी नोट पर शहीद आजम सरदार भगत सिंह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगवाएं। देश में राजनीतिक बयानबाजी तो आम बात है। अरविंद केजरीवाल के दिए बयान के बाद पक्ष विपक्ष दोनों ही खूब एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं और कई आरोप भी लगा रहे हैं। परंतु गोंडा के थाना क्षेत्र उमरी बेगमगंज के रहने वाले सोनू ठाकुर ने कुछ अलग ही कर दिखा दिया। दरअसल सोनू ठाकुर ने केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर मांग की है कि भारत सरकार के करेंसी पर शहीद आजम सरदार भगत सिंह और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर होनी चाहिए। यही नहीं, उन्होंने पत्र के साथ साथ नोट का एक फॉर्मेट भी भेजा है जिसमें भगत सिंह की और नरेंद्र मोदी की तस्वीर छपी है। हम आपको बता दें कि सोनू ठाकुर अपने पत्र में लिखते हैं कि सादर निवेदन है कि भारत सरकार के करेंसी पर अंग्रेजों से लड़ते हुए अपनी जान निछावर करने वाले शहीद आजम भगत सिंह जी तथा पूरे विश्व में हमारा नाम आगे ले जाने वाले गांव, गरीब और किसानों के नायक यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर छपनी चाहिए। दरअसल ये पहली बार नहीं है कि सोनू ठाकुर चर्चाओं में आए हैं। सोनू ठाकुर को लोग योगी भक्त के नाम से भी जानते हैं। ऐसा भी नहीं कि सोनू हाल ही में योगी भक्त बने हो, वे 2007 से ही योगी के अनुयायी हैं। बहुत से लोग उनसे जुड़ गए हैं और उनके साथ पूजा करते हैं और बहुत से लोग केवल उन्हें देखने के लिए पहुंचते हैं। सोनू ठाकुर के सीएम योगी के प्रति दीवानगी लोगों के सामने तब आई जब उन्होंने योगी चालीसा ही रच डाली और सुबह शाम योगी चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। सोनू का कहना है कि वह अपना पूरा जीवन योगी आदित्यनाथ के बताए रास्ते पर ही चलना चाहते हैं। हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि गणेश और लक्ष्मी की तस्वीरें नई नोटों पर मुद्रित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा, इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश है, वहाँ 85% मुस्लिम और केवल 2% हिंदू हैं, लेकिन वहाँ की करेंसी पर श्री गणेश जी की तस्वीर है। मेरे प्रधानमंत्री जी से अपील है कि नए छपने वाले नोटों पर भी माता लक्ष्मी और श्री गणेश जी की तस्वीर लगाई जाए। इस बयान पर बीजेपी और विपक्ष का देखते ही देखते राजनीतिक अखाड़े में युद्ध शुरू हो गया। इस पर कुमार विश्वास ने ट्वीट करके इशारों ही इशारों में बता दिया कि इस मांग के पीछे आपकी क्या रणनीति है। ट्वीट में कुमार विश्वास ने कहा, दोनों बीजेपी और कांग्रेस सदी के सबसे बड़े धूर्त से फालतू ही तर्क कर रहे हैं। उसे पता है कि अल्पसंख्यक वोट बैंक में तो अखिलेश, ममता, नीतीश आधा दर्जन दावेदार हैं। 82% हिंदू वोट बैंक से आधा भी फंसा, बाकी अल्पसंख्यक तो दुत्कारते पर भी मोदी विरोध में मजबूरी में वोट देंगे ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए पर्यावरण पोस्ट। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।